Payal, welcome on Sunny Speak. How are you? I'm good, Richa. How are you? I'm fine and congratulations for your song. It's amazing. And 16, 17 million in a six days, right? Yeah. Tell me, kaisa lag raha hai? How excited you are? Feeling very good actually, because whenever we do a song, there's so many people's hard work behind it, including the entire team. So it feels so great when you get a good response from your audience and listeners. Badshah ko humne dekha, wo bahut hi matlab unique se look mein dikh rahe the. To kaise plan kiya tha, kaise story plan ki thi is song ki? स्टोरी पुनीत पाठक ने डायरेक्ट किया है, द कंटेंट टीम, एंड उन्होंने ऐसा प्लान किया कि हमें ये वाले कॉन्सेप्ट में जाना है. एंड वी फेल्ट द स्टोरी इज सो यूनिक, जो वो बोल रहे हैं, जैसा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो वी फेल्ट इट्स लिटिल डिफरेंट देन द अदर कंटेंट्स जो भी है अभी रिसेंटली. दैट्स व्हाई वी एक्चुअली अग्रीड टू दैट concept, and is you can see it's looking so amazing as you just said. So Payal, as a singer kitni responsibility hoti hai ek song ko successful karne mein, because bahut sare logo ka combination hota hai ek song, but khud ke sath aap kitni zimmedari feel karti hai? Bahut, because see, this is of course I've composed the song too. So जब मैं compose करती हूँ तो मेरे mind में already एक vision चलता है कि हाँ ये होना चाहिए गाने के साथ, या कुछ a composer can plan everything कि इस गाने में ऐसे होगा वैसे. तो अपना गाना गाने में इतनी tension नहीं होती of course. And of course if I say like बादशाह भाई, हमेशा उनको मैं सुनाती हूँ, and he said कि जो first draft था वही परफेक्ट है. मैंने दोबारा डब भी नहीं किया. आई थिंक दिस इज ऑल्सो काफी साल पुराना डब ही है मेरा, एंड वही उन्होंने बोला नहीं नहीं इसको ही करते, बिकॉज मैंने न्यू डब किया था. एंड आई फेल्ट ऑल्सो कि जब वो गाना बना था ना, तब ज्यादा फील के साथ वो हुआ था. तो ऑफकोर्स वी केप्ट द फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट ड्राफ्ट आप बनाते हो ना किसी गाने का, वो बहुत अच्छा होता है एक्चुअली. सो जस्ट हैपेंड दैट. So you are a fantabulous singer. We all know this. Payal, कभी-कभी selection होता है कि आपके जो co-singer होते हैं, उनका साथ में कुछ ऐसा होना कि कोई ऐसे particular singer हो जिसके साथ easy to मतलब गाना easy होता है, या कोई कभी-कभी लगता है कि यार ये match नहीं कर रहा है, but I have to sing the song with him. No, it's not like that. कुछ गाने mostly like nowadays I'm singing my own composition. मैं खुद ही कंपोज करती हूँ जो मैं गाती हूँ, या फिर जो मेरे सिंगर्स नहीं बोल सकते, आई कॉल देम फैमिली. फर्स्ट तो जुबिन इज माय ब्रदर ओनली, एंड बादशाह भाई मेरी फैमिली है. सो वी वर्क एज अ फैमिली, यू नो, एक वो बॉन्डिंग दिखती है हर गाने में. एक फैमिली बॉन्डिंग इज समथिंग विच इज द बेस्ट थिंग, यू नो. सो वो गाने में निकल के आता है, एंड वो कनेक्ट करता है लोगों को ज्यादा. सो आई फील कि नहीं, एंड जितने भी सिंगर्स हैं, सी दे हैव देयर यूनिक टेक्सचर एंड यूनिक वॉइस. एवरी सिंगर हैव देयर ओन वॉइसेस. सो ऑफकोर्स हर सिंगर अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा होता है. सो व्हेनेवर आई एम सिंगिंग, इधर इट्स माय सॉन्ग और अदर कंपोजर्स सॉन्ग, सो आई मेक श्योर व्हाट द दैट कंपोजर वांट्स. जब मैं अपना गाना बनाती हूँ तो मुझे पता रहता है कि हाँ मुझे ऐसा करना. बट मैं जब दूसरों के लिए गाती हूँ ना, तो मैं पहले उनके विजन को समझती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपोजर्स वर्जन ऑफ दैट सॉन्ग. वो समझ के अगर आप गा रहे हो ना, यू आर, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ राइट वे. सो ऑफकोर्स आई ऑलवेज डू दैट फ्रॉम माई साइड. उसके बाद क्या कोई भी गाए एंड कुछ, तो मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऑफकोर्स कंपोजर अंडरस्टैंड हिज और हर सॉन्ग मच बेटर देन एनी वन. सो वो जो भी अपने गाने के साथ करेंगे अच्छा ही करेंगे. आप लिखती भी हैं गाने? हाँ जी, कभी कभी लिख लेती हूँ, यू नो. क्या होता है कि जब आप बहुत ऐसे माहौल में होते हो तो कुछ गाने आप भी लिख लेते हो. सो यस, कभी कभी लिखती हूँ. तो पायल, इतनी क्रिएटिव आप बचपन से हैं, सोच के आया वाला हुआ था कि सिंगर ही बनना है, या कुछ और ख्वाब थे मन में कि कुछ और भी बनना है?
देखिए, आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस जहाँ पे म्यूजिक का कोई कल्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ऐसा तो कभी मतलब सोचा नहीं था कि बिल्कुल से सिंगर बना. हाँ, बट आई यूज्ड टू डू लाइव शोज दैट टाइम, बट मेरे लिए वही मतलब ऐसा लगता था कि हाँ दैट्स इट, इतना ही होता होगा. बट व्हेन आई लिसन टू सम ग्रेट सॉन्ग्स ऑफ लता जी, आशा जी, तो मैंने मेरी मॉम से पूछा कि ये कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है, ऐसे हम लोग कैसेट पे सुन रहे हैं, ये कैसे डब, मतलब डब तो तब भी पता भी नहीं था ये वर्ड, तो ये कैसे होता है. तो मेरी मम्मी ने मुझे प्रोसेस समझाया कि ये रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, एंड फिर उसके बाद कैसेट के थ्रू. ये मेरी मम्मी को भी शायद उस टाइम पे इतना पता है, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव्ड इन लाइव सिंगिंग जो होता था. तो उन्होंने जब मुझे समझाया था, तब मुझे लगा कि मुझे ये भी करना चाहिए फिर, क्योंकि जब हम लोग गाने सुनते हैं तो आई हैड वन वॉकमैन एंड द कैसेट्स, मेरे पास बहुत सारे कैसेट्स थे जितने भी थे, तो मैं सुनती थी और मुझे ऐसा लगता था आई विश मेरे गाने भी आते. तो कुछ रीजनल मैंने उस टाइम पे किया था, बहुत खुशी मिली. फिर मुझे लगा नहीं कुछ अच्छा बेहतर बेहतर वो करते करते फिर यू नो एक सर्टेन जर्नी होती है हर किसी की, तो मेरी भी एक जर्नी है कि आज मैं म्यूजिक में हूँ यहाँ पे. ओके, डू यू बिलीव इन सॉन्ग रिक्रिएशन? आप बिलीव करते हो कि होना चाहिए रिक्रिएशन गाने का? यस यस, होना चाहिए. अगर अच्छे वे में हो रहा तो डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज एक जो हमने नहीं गाना सुना हुआ, सपोज बहुत पुराने गाने हैं जो हमने नहीं सुना है, तो वो हम उसको अलग टाइप से अगर प्रेजेंट करें, बिकॉज अगर सेम थिंग अगर हम लोग प्रेजेंट कर दे तो वो नहीं वर्क करेगा. तो उसको रिक्रिएट करना जरूरी होता है, ट्रैक पे काम करना जरूरी होता है, एंड उसको अलग वे में प्रेजेंट करते हैं तो सेम सॉन्ग वैल्यू ऑफ दैट सॉन्ग इज ऑफकोर्स इतना है, तो उसमें भी इतना ही मेंटेन्ड रहता है कि ज्यादा लोग और सुनते हैं रिक्रिएशंस अगर अच्छे हो तो. ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया, एक रिक्रिएशन करना हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना जरूरी है कि जितना ओरिजिनल अच्छा है, मेक श्योर कि एटलीस्ट आप उस लेवल तक तो पहुंचो. दैट्स द थिंग about recreations. I'm also doing some recreations and मैंने किया भी है, which is सावन में लग गई आग का recreation किया भी था, and more recreations I'm doing, but I'm keeping it very soulful at the same time. तो अभी ऐसा कोई song है जो लगता है कि recreate होना चाहिए? It's a beautiful song. देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो भी पुराने classic songs है ना, वो recreate होना चाहिए in a very good way with all respect. मतलब उसका लेवल वी शुड ट्राई की और ऊपर जाए. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद द लेजेंडरी कंपोजर्स जो उन्होंने बना दिया है, बट वी कैन एटलीस्ट ट्राई की हम थोड़ा बेटर कर सके. 90s के जो एरा था ना पायल, वो बहुत खूबसूरत गानों का था. आपको भी ऐसा लगता है? मतलब वी स्टिल मिस दैट एरा, वो वैसा सॉन्ग. वो लगता है कि मतलब वो एरा इज द बेस्ट एरा, आप एक सिंगर या बेहतर बता सकती हैं? देखिए, 90s जो है ना, आई एक्चुअली सेड दैट इन सो मेनी इंटरव्यूज आल्सो कि मेरे अंदर है 90s, बिकॉज क्या एक न्यू बॉर्न बेबी के सामने आप जो चलाते रहो ना, जो भी चलाते रहो, वो माइंड में जागता रहता है अंदर, वो एब्जॉर्ब होता रहता है. तो उस टाइम पे मेरे घर पे भी 90s बहुत सुना जाता था. मेरी मॉम बहुत सुनती थी, मेरे डैड बहुत म्यूजिक सुनते थे. आसपास म्यूजिक का एक अलग ही कल्चर था सुनने का, एटलीस्ट सब लोग सुनते थे. तो 90s जा जाके ना बिल्कुल अंदर ही है. तो एज यू कैन सी मेरे गाने जो होते हैं, मेरे गानों में ना 90s का एक होता ही हुआ है फील, बिकॉज वो नेचुरली मेरे अंदर है. आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट, इट इज कमिंग from inside. So I respect 90s का music so much, क्योंकि उस time पे जो काम हुआ है ना, बिल्कुल दिल को छूने वाला काम हुआ है. And it is one of my favorite, I will not say my most favorite era was 90s, of course. So I feel myself connected to 90s. So of course I love 90s and I'm creating some 90s का म्यूजिक, as you can see like बारिश बन जाना and other songs also I have done, बेपना इश्क, बेपना प्यार and कुछ बातें हैं, the recent one तुमसे प्यार करके. you can feel the vibe of 90s and much more of 90s coming very soon. wow, so ज़्यादा time नहीं लूँगी पायल आपका. कितने दिन shoot मतलब गाने की तैयारी में, ready होने में कितना दिन लगा था इस song का?
ज्यादा नहीं, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, बिकॉज एक गाना जब शूट होता है उससे पहले सारी चीजें प्लान हो जाती है. ऑडियो बहुत पहले से ही रेडी था. बादशाह भाई ने रैप बाद में मतलब पहले पहले तक भी मतलब उन्होंने थोड़े कुछ कुछ चेंजेस किए, उन्होंने हुक लाइन का चेंज किया, बिकॉज पहले हुक लाइन एक डिफरेंट था जो मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा हुआ था. उन्होंने बोला बाकी कुछ अच्छा है, ये वाला हुक लाइन चेंज करेंगे. तो मैंने बोला भाई प्लीज आप चेंज कर दो, एंड उन्होंने चेंजेस किए, फिर उन्होंने रैप बनाया, एंड बहुत सारे प्रोसेस थे, बट इट वाज टू इंटरेस्टिंग, यू नो, लाइक पता ही नहीं चला. ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें, एंड डब भी बहुत फास्ट फास्ट हो जाता है काम, एंड एंड द बेस्ट थिंग वाज एवरीथिंग वाज प्लान्ड, सो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, एंड शूट भी बहुत स्मूथली कंप्लीट हुआ, एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट अबाउट. ओके, पायल आपको लगता है जो सिंगर सुपरस्टार, सुपरस्टार सिंगर है, इंडियन आइडल है, बहुत सारे सिंगिंग शोज है, उससे जो विनर्स आते हैं उनके लिए वो करेक्ट प्लेटफॉर्म है, या ये जो आ रहे हैं ये सब रियलिटी शोज, ये बेस्ट वे है एक पर्टिकुलर अच्छा म्यूजिक सिंगर मतलब आवाज चुनने के लिए, आप क्या मानती है इसको? देखिए मैं ना डिफरेंट, मैं ना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखती हूँ, एक लाइव सिंगिंग एंड रिकॉर्डिंग में. एज अ कंपोजर आई फेल्ट इट, बिकॉज बहुत लोग ना लाइव बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं, बट व्हेन यू विल रिकॉर्ड देम ऑन स्टूडियो इन फ्रंट ऑफ माइक, तो वो अलग साउंड करते हैं. यू नो दीज आर डिफरेंट थिंग, यू नो रियलिटी शोज एंड प्लेबैक बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट. प्लेबैक के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, मतलब आप अगर देखो तो रियलिटी शो से बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हमारे आए हैं इंडस्ट्री से, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, नेहा नेहा कक्कड़, एंड आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग सम मोर, नीति तो पहले से पता नहीं, लेकिन बहुत सारे अच्छे सिंगर्स भी आए हैं. बट ऐसा नहीं कि वो रियलिटी शो से ही वो करके आए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत किया है. तो द थिंग इज कि आपको प्लेबैक के लिए मेहनत करनी पड़ती है. हमारे जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स है, अलका जी है, कविता कृष्णमूर्ति है, एंड साधना सरगम जी है, एंड खैर लता जी, आशा जी, तो दे आर द गॉडेस ऑफ कोर्स. तो उन्होंने जो किया है वो एक एक वो मिसाल कह सकते हैं, उन्होंने एक छाप छोड़ा हुआ है कि ये है, अब इसको मैच करो. तो मैं दोनों में बहुत डिफरेंस मैं देखती हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर्स ओनली, उनके गाने सुन सुन के ही कर रहे हैं. बट प्लेबैक सिंगिंग करना इट्स नॉट इजी, कभी कभार बहुत सिंपल सा गाना होता है बट उसको एक्सप्रेशन के साथ गाना, एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. कभी कभार आपका टोन नहीं वर्क होता, कभी कभी बहुत सारी चीजें है. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर वॉइस, सबसे पहली बात की समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हो तो आपने क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है. एंड लाइव गाना इज अ वेरी टफ थिंग, आई मस्ट से, जो वो लोग करते हैं इट्स वेरी टफ. एकदम वन शॉट वो रियलिटी शोज में इतना गाना, वो भी बहुत टफ है. बोथ आर डिफरेंट, मतलब वी कैनॉट कंपेयर वन विथ ईच अदर. एक लुकमा ही तेरा जान ले जाए, मेरा सर पे चढ़ जाए, पारा होश उड़ जाए, सारा फीलिंग समझ ले, दिलदारा दिले नादान है तौबा, हुआ नुकसान है तौबा, उन आँखों से तूने देखा, गई मेरी जान है तौबा. Wow, how sweet. Thank you so much, Maya. Thank you for your time and wish you all the very best. 16 million से 16 million हो जाए जल्दी. Thank you. Thank you, Richa. Thank you so much. Okay, bye. I'll take care. Bye-bye. Nice talking to you. Bye. Bye.